नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोसिक फार्मर में। तो आज हम आए हैं रोहतक भिवानी रोड गणगस कंपनी स्वराज की एजेंसी पर। तो ये हमारे सेल्समैन हैं यहाँ पे महिपाल जी। तो आज हम महिपाल जी से कुछ सवाल करेंगे स्वराज 969 FE के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं महिपाल जी। तो ये ट्रैक्टर कितने हॉर्स पावर का है हमारा? ये 70 हॉर्स पावर का है। अच्छा जी, तो वन पीस बोनट के अंदर आता है ट्रैक्टर? वन पीस बोनट के अंदर आता है जी। अच्छा अच्छा, तीन सिलेंडर में आता है? आगे से खुल रहा ये। अच्छा अच्छा, आगे से खुल जाएगा। अच्छा, तीन सिलेंडर ट्रैक्टर है। अच्छा, कितने का पड़ रहा है हमें कंपनी से? ये पड़ रहा है 10,95,000। अच्छा, ये 9,35,000। अच्छा, 9,35,000 का। अच्छा, तो कंपनी ने क्या क्या बदलाव किया है अभी, जैसे 855 और इसमें जी स्कोर का फर्क है और बेटा का फर्क है। अच्छा हाँ, लिफ्टा का फर्क है इसमें जो लगाया है, और कितना EGR लगाई है। अच्छा अच्छा, कितना वेट है इस ट्रैक्टर का जी? इस ट्रैक्टर का जी 25 क्विंटल। 25 क्विंटल जी हाँ। अच्छा, लिफ्ट कैपेसिटी कितनी मिल जाती है हमें इसमें? इसकी मिल जाएगी जी 20 क्विंटल। 20 क्विंटल की लिफ्ट कैपेसिटी। 5 स्टार के साथ आता है ना ट्रैक्टर? हाँ। अच्छा, और सारे हाई मीडियम गियर है ये? अच्छा, हाई लो मीडियम गियर आते हैं इसमें? हाँ जी। ट्रैक्टर में थोड़ी का गियर है वो? अच्छा, अलग सिस्टम है। अच्छा, गियरों में भी चलता है, बिना गियर भी चलता है। अच्छा, और थोड़ी के गियर सिस्टम समझ लो दोनों। अच्छा, है इसमें। अच्छा, मीडियम में चलाओ तो मीडियम में चलाओ। अच्छा, हाई में चलाओ तो हाई में चला लो। हम तीनों स्पीड में मतलब PTO भी ले सकते हैं, हाई लो मीडियम में भी इसकी, और रिवर्स PTO भी चला सकते हैं दोनों में चला। अच्छा जी, PTO के चक्कर कितने हैं जिसके? इसके 540 है। 540,000 दोनों में चला सकते हैं। लाइव PTO भी हमें इसमें मिलती है, मतलब रूटावेटर वाली। हाँ। किसान भाइयों, तो ये देखिए मैं आपको फ्रंट से दिखाता हूँ इस ट्रैक्टर। हाँ, ये देखिए इनबिल्ट हेलोजन हेडलैम्प्स मिलते हैं आपको विद इंडिकेटर, साइड इंडिकेटर। हाँ जी, ये देखिए ये इसका हमें पावर स्टीयरिंग मिल जाता है, रैम सिलेंडर। देखिए इसका ट्रैक्टर का इसे नंबर पर पिछले टायर ठीक है जी, करके दिखाओ। ये देखिए पिछले टायर 16928 के हैं, वेट भी है विद वेट। कितने किलो का वेट मिल जाता है जी हमें इसमें? ये है जी कम से कम 40 किलो का, एक 40 किलो का वेट मिल जाता है जी। अच्छा, पिछला हिस्सा बहुत ही मजबूत दिया गया है ट्रैक्टर का, हैवी हिस्सा है। देखिए EPI हिस्सा है ट्रैक्टर का, एपिसाइक्लिक रिडक्शन के साथ, जिसमें हमें एक प्लेनेट गियर मिलता है और सन गियर मिलता है। ये जो क्लच है सिस्टम अलग है इसमें? अच्छा, इंडिपेंडेंट क्लच के साथ है जी। हाँ, ये इसका क्लच ऐसे है, पुली का गियर लगाना हो ये क्लच लग गया इसका। अच्छा जी। हाँ, इसका सिस्टम अलग है और पुली का गियर ला दो। ये गियर हमें कौन सा मिलता है इस ट्रैक्टर में, ये वाला कौन सा गियर? ये तो हाई लो मीडियम का है। हाँ, हाई लो मीडियम का। अच्छा, और ये यहाँ पे हमें हैंड ब्रेक मिलती है? हाँ, हैंड ब्रेक। ये पुली का गियर है, कंपनी ने कितना बढ़िया किया हुआ है, हैंड ब्रेक भी साथ, ड्राइवर सीट के साथ, सीट आगे पीछे कर लो आप जैसे, सीट भी आगे पीछे हो सकती है जी इस ट्रैक्टर की। ये देखिए आगे पीछे हो गई, ये हमारा लिफ्ट लॉक मिल जाता है ना जी? हाँ। लिफ्ट लॉक, उधर गियर चार फोर चार गियर। अच्छा, चार गियर है ना? चार आगे चार पीछे। चार चार आगे चार पीछे भी, हाई लो मीडियम। अच्छा, और क्या क्या खासियत दी गई है महिपाल जी इसमें ट्रैक्टर में? इसमें जो खिंचाई किसी टाइम किसी चीज में जोड़ो, आप रोटावेटर जोड़ो चाहे 8 फुटा कैसे जोड़ो। अच्छा, रीपर में कैसे कैसा चलता है ट्रैक्टर? रीपर में बहुत बढ़िया ट्रैक्टर चला है जी। अच्छा, सुपर सीडर आजकल चल रहा है? सुपर सीडर में बहुत बढ़िया, हमने कंपटीशन करा था। अच्छा अच्छा। हाँ, सबसे बढ़िया टॉप में रहा है। अच्छा जी, 70 हॉर्स पावर में है वैसे भी, तीन सिलेंडर में आपको कंपनी 70 हॉर्स पावर दे रही है तो बहुत ही अच्छी बात है। तेल की खपत भी कम रही होगी इसकी फिर, क्योंकि जितने सिलेंडर बढ़ जाते हैं उतनी तेल की खपत भी बढ़ जाती है हमारी साथ में। 4 सिलेंडर ट्रैक्टर की खपत ज़्यादा होती है, 3 सिलेंडर की कम होती है फिर। हाँ, आप आगे आइए थोड़ा। ये देखिए खंड भाई, ये वाटर सेप्टर मिल जाता है, और आप शो खोल के दिखाइए ट्रैक्टर की। अब ये देखिए कैसे न्यूमेटिक सिलेंडर दिया गया है, ये अब ऑटोमेटिक ऊपर उठाने के लिए, जैसे कार में भी जैक सिस्टम है। ये आपको सामने इंटरकूलर मिल जाता है टर्बो का, ये देखिए ये इसका एयर क्लीनर है, इसके पीछे हमें रेडिएटर मिलता है ट्रैक्टर का। कितने नंबर की टर्बो मिलती है जी इसमें? ये 25 कंपनी, इसमें कंपनी फिटेड 25 नंबर की टर्बो आती है।
ये देखिए इसका तीन सिलेंडर जानदार इंजन बिल्कुल। ये कूलेंट के अलग से टैंक मिल जाता है आपको, कूलेंट रिजर्वर टैंक, और यहाँ पे आपको EGR मिल जाता है। EGR है, पावर स्टीयरिंग का तेल भी अलग है। अच्छा, पावर स्टीयरिंग का तेल अलग है, गेयरबॉक्स है। ये देखिए पावर स्टीयरिंग का तेल भी आपको कंपनी अलग से दे रही है। इसे आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं, मिनिमम मैक्सिमम अगर आपका तेल कम हो रहा है तो ये मिनिमम में उतना ही आप टॉप अप कर सकते हैं इसका तेल। किसान भाइयों कम ये कूलर लगा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे आप कूलर में मिलता है इसमें, ये कूलर लगा हुआ है मोबाइल को ठंडा करने के लिए। अच्छा, मोबाइल कूलर में मिलता है आपको यहाँ पे, ये देखिए ठंडा कर रहा है मोबाइल को। अच्छा किसान भाइयों, स्वराज कंपनी कभी भी अपनी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है। और ये देखिए कितना मजबूत बोनट दिया गया है, और सभी कंपनी आपको फाइबर में देती है पर ये कंपनी आपको स्टील में देती है। देखिए बोनट भी बहुत मजबूत है। कितने लीटर का टैंक मिल जाता है महिपाल जी? 60 लीटर का टैंक। अच्छा, और घंटे में आप हमें इसकी एवरेज बताइए, जैसे रूटावेटर पे ट्रैक्टर चल रहा है तो क्या एवरेज देगा है? डीजल की, हाँ जी, डीजल की खपत कितनी है? डीजल की देगा जी वो 8 फुट रूटर पर। हाँ, ये 5 लीटर की देती है। अच्छा, 5 लीटर की। अच्छा जी, उसी हिसाब से इसकी चाल भी ज़्यादा होगी, कितनी जुताई कर देता होगा फिर? जुताई आप समझ लो ये 1 घंटा हैरो से जोड़ोगे तो 4 किले काट देगा। अच्छा, 4 किले हैरो में 1 घंटे में। हाँ, वो रूटावेटर पे चलाएं तो? रूटावेटर में तो ड्राइवर पर डिपेंड करेगी। हाँ, वो तो खैर ड्राइवर के ऊपर डिपेंड है, 2 काट दे 3 काट दे। हाँ जी, वो ड्राइवर पर डिपेंड करेगा। सबसे बड़ी बात ये देखिए आप, इसकी टर्बो की फिटिंग कितनी बढ़िया दी गई है कंपनी की तरफ से, बिल्कुल सिंपल। किसान को पूरा इंजन पूरा इंजन शो होता है आपको। देखिए मकैनिक को कुछ काम भी करना हो इंजन पे तो आप आराम से सारा काम कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से टैपेट की सेटिंग भी कर सकते हैं, टैपेट कवर खोल के A to Z। किसान भाइयों, फ्रंट के टायर आपको 750/16 के मिल जाते हैं। हेलो, तो मैं किसान भाइयों, स्वराज की एजेंसी पर रोहतक आओ आप और महिपाल जी से मिलो, बहुत ही अच्छे रेट पे आपको ट्रैक्टर सेल करेंगे महिपाल जी। महिपाल जी, वैसे आपने इसका लास्ट प्राइस क्या बताया ट्रैक्टर का? इसका लास्ट बता दिया हमने 10,95,000। अच्छा, इस ट्रैक्टर इसका है 9,35,000। अच्छा, 9,35,000 में आपको एक्स शोरूम प्राइस मिल जाएगा ट्रैक्टर। और जो बैठ के सोता, हाँ जी, वो तो बैठ के हाँ कराना उसके हिसाब से। हाँ जी, हाँ जी, बैठ के हो, को पुराना हो, हाँ जी, उसका हिसाब देखना पड़ेगा। अच्छा, किसी को अपना ट्रैक्टर एक्सचेंज करना हो तो वो हो जाएगा आपके यहाँ? हाँ, हो जाएगा जी, कोई सा ट्रैक्टर हो। अच्छा ठीक है किसान भाइयों, आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो भी स्वराज के फैंस हैं उनके साथ। ठीक है, नमस्कार किसान भाइयों।